हेलो, वेलकम टू फ्रंटियर गेमिंग एंड मार्वल फ्यूचर फायर रिलेटेड एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जेन फॉस्टर कितनी बेहतर है वर्ल्ड बॉस लेजेंड्स के अगेंस्ट। वैसे तो मैंने जब ये अपडेट आया था तो वहाँ पे मैंने वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट्स के अगेंस्ट जेन फॉस्टर को यूज़ किया था। इनफैक्ट मैंने ABX में भी जेन फॉस्टर को यूज़ किया था, परफॉर्मेंस काफ़ी सही था ऑब्लिस के साथ। और अब मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ वर्ल्ड बॉस लेजेंड्स के अगेंस्ट कि जेन फॉस्टर कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है वर्ल्ड बॉस लेजेंड्स के अगेंस्ट। तो चलो देखते हैं, चलते हैं चैलेंजेस में। खैर मैं तो दिल में धक धक हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी फास्ट क्लियर कर पाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं नल। तो नल में अगर जाए तो मेरा स्टेज नंबर 9 तक खुला हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये डिस्काउंट आएगा, क्योंकि मेरे पास अपोकलिप्स नहीं है तो डिस्काउंट आ जाए और मैं फटाक से स्टेज 10 अनलॉक कर लूँ। तो यहाँ पे स्टेज नंबर 9 में चलता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी अपना टीम सेटअप करके रखा है, जो कि हेला का लीड, साथ में है जेन फॉस्टर और उसके साथ है मिस्टिक। तो मिस्टिक के पास इनसाइट है और हेला का जो लीड है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि है 60% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक फॉर ऑल एलाइज। वैसे अगर आप चाहो तो जेन फॉस्टर को डबल लीड के साथ भी सपोर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक लीड और एक सपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जेन फॉस्टर वैसे भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है अभी, जब से उसको एक न्यू अपडेट मिला है, न्यू यूनिफॉर्म, पहला यूनिफॉर्म अगर बोला जाए तो, और पहला अपग्रेड भी मिला है Tier 3। सो नॉट बैड एट ऑल। सो चलो देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस नल के अगेंस्ट कैसी करती है। और उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक 2 मिनट्स या अगर 100 सेकंड्स में क्लियर कर देती तो और भी बढ़िया है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ कि आई थिंक 2 मिनट्स लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द गेम प्ले। सेकेंड्स में नल स्टेज नंबर 9 इजीली क्लियर कर लिया है जेन फॉस्टर ने, वो भी एक ऑबलिस्क के साथ, लाइटनिंग डैमेज और 180 ब्रॉक ऑबलिस्क के साथ। भाई कमाल की है जेन फॉस्टर, सच्ची में बोल रहा हूँ काफ़ी पावरफुल है। इनफैक्ट ये तो स्टेज 9 है, मैंने एक यूट्यूबर को, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो आई थिंक स्टार क्रिएटर, तो मैंने उसको देखा है कि वो नल मेफिस्टो का आई थिंक स्टेज 30+ कर रहा था। इनफैक्ट ईजिली दे कैन ईजिली क्लियर विद इन 98 सेकेंड्स और मे बी 95 सेकेंड्स 98 सेकेंड्स में जेन फॉस्टर क्लियर कर रही थी। येस दे इज़ अ CTP, डेफिनेटली CTP ऑफ एनर्जी या फिर जजमेंट कुछ था तो उसके साथ। सो बट यहाँ पर अगर ऑबलिस के साथ स्टेज नंबर 9 8% पीयर्स एंड 65% ऑफ ऑल अटैक, वेल नॉट बैड, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। सो अब चलते हैं मेफिस्टो के अगेंस्ट, देखते हैं कि वो मेफिस्टो के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस करती है।
गजब का परफॉर्मेंस। ये भी ऑलमोस्ट, ये भी पूरी तरीके से 100 सेकंड से पहले ही ख़त्म कर दिया जेन फॉस्टर ने। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जेन फॉस्टर का, सच्ची में बोलता हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि जेन फॉस्टर को इतनी ज़बरदस्त अपग्रेड मिलने वाली है, बट आई एम वेरी इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। नल के अगेंस्ट भी 100 सेकंड, पूरे 100 सेकंड्स में कंप्लीट हुआ, और मेफिस्टो के अगेंस्ट तो बहुत ही पहले 100 सेकंड से बहुत ही पहले ही जेन फॉस्टर ने मेफिस्टो को मार दिया था। लास्ट मोमेंट में थोड़ा फंस गया था, वरना ये शायद और भी फास्ट ख़त्म हो जाता। बट एनी वे, गेम प्ले में, मतलब गेम प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ही ईजी रोटेशन है, और पीवी में बहुत ही ईजीली उसको मतलब रोटेट किया जा रहा है, इसकी स्किल रोटेशन। जैसे 3 डी लेक कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 एंड द डैमेज वॉज सो हाई, सो काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे, काफ़ी मज़ा आया। सो आज के लिए बस इतना ही। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये गेम प्ले पसंद आया होगा। और बहुत जल्द मैं थॉर का भी रिव्यू लाने वाला हूँ, तो अभी तो मैं जेन फॉस्टर का रिव्यू लाया हूँ। और खैर, मैं तो स्टार एजेंट हूँ नहीं, तो मुझे क्रिस्टल सेव करने पड़ेंगे, कुछ कुछ मेरे भी कुछ अपने कुछ कुछ कैरेक्टर्स के यूनिफॉर्म्स लेने हैं, तो उसके लिए। सो खैर, मैं बहुत जल्दी थॉर का भी रिव्यू लाने वाला हूँ। सो अभी तो जेन फॉस्टर का किया। सो उम्मीद है कि आपको ये गेम प्ले पसंद आया है, और अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है भाई। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। और लास्ट चीज़ जो है, आपको कैसा लगा ये गेम प्ले, और जेन फॉस्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।